हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। द टॉपिक इज सेट डिफरेंस इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो यहाँ पे सेट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सेट डिफरेंस भी जो है नॉर्मल काम करता है, जैसा कि सेट थ्योरी में हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है। सेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बट नॉट बी, मतलब ए की वैल्यूज आए लेकिन बी की वैल्यूज उसमें माइनस हो चुकी हो। मतलब ए की वैल्यूज तो सारी हो लेकिन अगर बी की वैल्यूज ए में भी हैं कुछ तो वो वैल्यूज हम क्या कर देंगे, माइनस। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बट नॉट बी। ये तो है सेट थ्योरी की टर्म में हम लिखते हैं इसको। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट तो है वो सेम ही है। तो अगर मैं बात करूँ, एक सेट है एस वन जिसमें वैल्यूज हैं 1, 2, 3 और एक सेट है एस टू उसमें वैल्यूज हैं लेट से 3, 4। तो अगर मैं S1 माइनस S2 लिखूं तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1, 2, मतलब S1 बट नॉट S2। S1 मतलब क्या है, 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 में से क्या माइनस कर दो, S2 की वैल्यू। S2 में क्या है, 3 एंड 4 तो इसमें है ही नहीं, तो 3 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या बचा, 1 एंड 2। तो ये जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है, वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक और मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ए माइनस बी, बी माइनस ए इज़ नॉट इक्वल। आप यहीं पे चेक कर सकते हो, हमने एस वन माइनस एस टू किया तो आंसर क्या है, 1, 2। आप एस टू माइनस एस वन करो, मतलब एस टू बट नॉट एस वन। तो आप सबसे पहले एस टू को देखो, एस टू में क्या है, 3, 4। 3, 4 में से S1 की वैल्यू को माइनस कर दो। S1 में क्या है, 1, 2, 3। 1, 2 तो है ही नहीं, 3 है, 3 को माइनस कर दो, माइनस मतलब उसको हटा दो, तो आंसर क्या आया, 4। तो ये देखो, 1, 2 इज डिफरेंट, 4 इज, तो यानी S1 A माइनस बी इज नॉट इक्वलेंट टू B माइनस A। नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा की टर्म में। तो सबसे पहले जो ये दो पॉइंट हमने यूनियन में भी देखा था कि नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम, मतलब जिन दो टेबल्स के अंदर आप सेट डिफरेंस लगा रहे हो उनमें सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और डोमेन ऑफ एवरी कॉलम मस्ट बी सेम, मतलब जो डोमेन है, जो उनके अंदर डेटा है, वो डेटा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन यू कैन फॉलो दी सेट डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने दो टेबल लिए हुए हैं, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉई। अब स्टूडेंट और एम्प्लॉई के बीच में हम सेट डिफरेंस लगा रहे हैं, मतलब अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, स्टूडेंट माइनस एम्प्लॉय। मैं डायरेक्ट ही इसको अप्लाई कर रहा हूँ विदाउट प्रोजेक्टिंग एनी कॉलम, सीधा दो टेबल्स के अंदर हम सेट डिफरेंस लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट माइनस एम्प्लॉय मतलब स्टूडेंट में से एम्प्लॉय की वैल्यूज को हटा दो। तो स्टूडेंट में वैल्यूज कौन कौन सी है, 1A, 2B, 3C। अब इसमें से ये हटा दो, 7E तो इसमें है ही नहीं, तो हटाना क्या, कुछ भी नहीं, 1A इसमें है तो 1A को यहाँ से हटा दो, मतलब स्टूडेंट की वैल्यूज हो सारी लेकिन उसमें से एम्प्लॉय की वैल्यूज को आप हटा दो, तो यानी क्या बचा आंसर, 2B, 3C, बिकॉज 1A तो यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर और नेम क्यों लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब इस क्वेरी को तो यहाँ पे एग्जीक्यूट आप नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इसको सीक्वल में एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पहले टेबल्स के ही कॉलम्स यहाँ पे शो करता है। तो आप इसको प्रॉपर वे में लिखने के लिए अगर हम इसमें से देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स या फाइंड द नेम ऑफ द पर्सन हु इज अ स्टूडेंट बट नॉट अ एम्प्लॉय, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया है, फाइंड द नेम ऑफ पर्सन हु इज अ स्टूडेंट बट नॉट एम्प्लॉय, मतलब जो स्टूडेंट तो है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट तो है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, तो यानी स्टूडेंट वाले में से माइनस करना है हम एम्प्लॉय को। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, स्टूडेंट टेबल में से आप बेटर क्या है कि आप पहले ही पाई कर लो नेम, पाई नेम मतलब आप स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ एक कॉलम फेच कर लो, कौन सा, नेम वाला, उसमें से आप माइनस कर दो एम्प्लॉय टेबल में से भी आप निकाल लो क्या, पाई ऑफ नेम, मतलब एम्प्लॉय टेबल में से भी मैंने सिर्फ नेम का कॉलम फेच कर लिया
इन दोनों के बीच में हमने क्या अप्लाई कर दिया, माइनस। जब इन दोनों के बीच में हम माइनस अप्लाई करेंगे तो फाइनल में जो आउटपुट आएगी, जिसको हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें कॉलम का नेम तो डेफिनेटली नेम ही आएगा। अब अगर मैं बात करूं ए बी सी बट नॉट ई ए, मतलब ए बी सी बट नॉट ई ए, तो ई तो इसमें है ही नहीं, ए भी इसमें से हटाओ, तो यानी आंसर क्या आया, बी एंड सी। आंसर क्या है यहाँ पे, बी एंड सी, मतलब ये दो पर्सन है बी एंड सी, जो स्टूडेंट है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। आप इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो कि जो एम्प्लॉय है बट स्टूडेंट नहीं है। मतलब इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रियल लाइफ के, जो कई बार एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेन जो पॉइंट वो है सेट डिफरेंस में याद रखना, एक तो ये दो पॉइंट, और दूसरा कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है, यूनियन कम्यूटेटिव है बट इट इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेट डिफरेंस। थैंक यू।